संसदीय सीट पर आगामी 7 मई को होने जा रहे मतदान के लिए गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सिरोंज विधानसभा पहुंचे और यहां भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि मध्य प्रदेश पहले बीमारू राज्य था, ये 20 साल पुरानी कहानी है। जब से भाजपा की सरकार बनी, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर सर्वांगीण विकास की दृष्टि से अग्रणी राज्यों में खड़ा हो गया। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए और पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत ब्रिटेन को पछाड़कर 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। आने वाले समय में पीएम मोदी के 30वें टर्म में भारत दुनिया की 30वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।